ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल 29 वर्षीय गीतांशा सूद के साथ शादी कर चुके हैं। दिल्ली के 5 सितारा होटल में धूमधाम से उनकी शादी का रिसेप्शन हुआ। इसमें देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है गीतांशा सूद जो बनी है रितेश की दुल्हनिया? और क्या आप ये जानते हैं किन नामचीन लोगों ने इस रिसेप्शन में शिरकत की? नहीं जानते तो चलिए आज जान जाइए रितेश और गीतांशा की शादी में कौन कौन आया और गीतांशा कौन है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा से लेकर सॉफ्टबैंक के प्रमुख मासायोशी सोन रिसेप्शन में शामिल हुए थे। विजय शेखर शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन के साथ एक तस्वीर भी साझा की थी। आपको बता दें सॉफ्टबैंक एक जापानी ग्रुप है जो ओयो का सबसे बड़ा निवेशक है। इसके सीईओ हैं मासायोशी सोन। इसके अलावा इस रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर अनुराग ठाकुर तक शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तो कपल के साथ तस्वीरें भी साझा करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके अलावा कारोबारी जगत से भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल इस समारोह में शामिल हुए। साथ ही लेंसकार्ट के पीयूष बंसल से लेकर फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति भी इस रिसेप्शन का हिस्सा बने। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन अब बात नए जोड़े की। देश में हॉस्पिटैलिटी के कारोबार को डिजिटल रूप देने वाले रितेश अग्रवाल को तो आज सब जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी गीतांशा सूद कौन है ये शायद ही कोई जानता हो, और अगर जानते भी हैं तो बहुत कम लोग। वैसे सोशल मीडिया पर अभी गीतांशा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि गीतांशा सूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहती हैं। वे फार्मेशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। ये एक निजी कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है और 22 अगस्त 2020 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर के साथ पंजीकृत भी है। माई कॉर्पोरेट इन्फो के मुताबिक अभी इस कंपनी से 2 निर्देशक जुड़े हुए हैं। गीतांशा सूद की नेटवर्थ के बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल तो अरबपति हैं, तो जाहिर है अब तो उनकी पत्नी भी अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हो गई। रितेश ने करीब 10 साल पहले ओयो रूम्स की शुरुआत की थी। आज कंपनी दुनिया के 80 देशों के 800 से ज्यादा शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है। अग्रवाल आज भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शुमार है और उनकी संपत्ति है लगभग 8,270 करोड़ रुपए। रितेश अग्रवाल उड़ीसा के एक मारवाड़ी परिवार से आते हैं। वे दिल्ली में साल 2011 में पढ़ाई करने आए थे। हालांकि 2 साल बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वे थेल फेलोशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। इसमें रितेश को $1,00,000 की फेलोशिप मिली थी। इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने बिजनेस को बनाने में किया और रितेश आज एक कामयाब इंसान है और जो है आपके सामने है।